हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी हेड कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आईटीबीपी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करेंगे। अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल तक रखी गई है। यानी 18 साल से लेकर 27 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम आईटीबीपी हेड कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सबसे पहले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 रुपये की फीस रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट्स को भी 100 रुपये की फीस पे करनी है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा। यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम आईटीबीपी हेड कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की तरफ से यह वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो हमारा वैकेंसी हेड कांस्टेबल GDSI वेरियस पोस्ट पे भर्ती रखी जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9451 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन कमिंग सून पे रखी गई है, यानी बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जून या जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर हम आईटीबीपी हेड कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट नेम की बात करें तो इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर के लिए आपको 321 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 1544 वैकेंसी, कांस्टेबल जीडी की बात करें तो 4640 वैकेंसी और हेड कांस्टेबल के लिए 3150 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर हम आईटीबीपी हेड कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। और भी एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर हम आईटीबीपी हेड कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, जब इसकी एडमिट कार्ड आ जाएगी तब आप यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप भी आईटीबीपी के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।